सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत माननीय मोदी जी के सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के आम जनमानस के बीच में जा रहा है। इसके अंतर्गत ही युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी के अगुवाई के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस अभियान को हर व्यक्ति तक, हर युवा तक लेकर के जाने के लिए कटिबद्ध है। इस पूरे अभियान के अंदर जहां जो अभियान पिछली 31 मई से लेकर के आने वाली 30 जून तक चलाया जा रहा है, उसी के अंदर कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य अभियान लेकर के चलेगा। उसके अंदर सबसे बड़ा विषय लाभार्थी संवाद का है। लाभार्थी संवाद यानी जो बेनिफिशरीज स्कीम्स के हैं और उसमें भी युवा मोर्चा जो युवा आधारित पॉलिसीज और स्कीम्स बनाई गई, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और स्टार्टअप्स का मौका देने के लिए नौजवानों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दर बदर ना हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आने वाले नौजवानों को भी मौका दे पाएँ, ऐसे नौजवानों को मौका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से स्टार्टअप्स की स्कीम्स के माध्यम से दिया है, जिसके अंतर्गत चाहे वो मुद्रा स्कीम के तहत हो, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के तहत उस स्कीम्स को प्रोत्साहित करने का और उसको फैसिलिटेट करने का मौका देने का काम हो, और वहीं पर स्किल इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो फैसिलिटेशन और नौजवानों को प्रोत्साहन करने का काम किया है, ऐसे नौजवानों को टच करना, आउटरीच करना और उन तक बेनिफिशरी स्कीम्स का किस तरीके से उनके जीवन में लाभ हुआ और वो आने वाले नौजवान को किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, उसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी